बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया एक मर्तबा फिर झूठा प्रोपागेंडा कर रहा है। भारत में जोर पकड़ता एहतजाज और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ये हमला भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में राम मंदिर पर हो सकता है। इस हवाले से भारत की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। राम मंदिर के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जबकि इस वक्त पूरा भारत हाई अलर्ट है कि भारत में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। दूसरी जानिब मुतनाजिया बिल के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रियासतों में लोग धरना देकर बैठे हैं, जबकि मुतहद रियासतों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। याद रहे कि ये पहला मौका नहीं कि जब भारतीय मीडिया ने हमला होने का झूठा दावा किया हो, बल्कि चंद रोज कबल भी भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जान शदीद खतरे में है और उन पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी पर हमला आइंदा 2 या 3 दिन में मुतवक्का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाज़ह है कि भारत मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसकी वजह से पूरी आवाम का ध्यान कैब बिल से हटकर पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा।